की रफ्तार। हेलो सर, मधुकर आपसे बात करना चाहते हैं। कौन मुझसे बात करना चाहते हैं? जी हाँ सर। क्या नाम बताया? जी मधुकर। ओ हाँ, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। दिव्य मोहन जी का खास आदमी है ना वो? जी हाँ सर। हाँ मिला। ओके सर। हेलो हेलो हुजूर, नमस्कार हुजूर। देखिए, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो सत्यनारायण या सत्यनारायण जी कहिए, हुजूर कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है हुजूर के, आप तो हमारे सबसे बड़े हुजूर है ना। अब हुजूर, आपका नाम मैं कैसे ले सकता हूँ सर? मैं हुजूर शाह के खिलाफ हूँ, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये हुजूर शब्द आप यहाँ दोबारा नहीं बोलेंगे। वो क्या है हुजूर, मेरा मतलब है कि सत्यनारायण जी, मैं सर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो है आज का अखबार सहकार, जिसमें के हमारे डीएम हुजूर के उनके आरोपों की सफाई के बारे में उनका सर्टिफिकेट छपा है हुजूर। मैं हर अखबार पढ़ता हूँ, इसे भी पढ़ चुका हूँ। अपनी सफाई के लिए दिव्य मोहन इतना भी नहीं करेगा तो वो दिव्य मोहन कैसे? सर ये तो आप सरासर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आपके कहने का मतलब तो ये हुआ हुजूर कि दिव्य मोहन जी ने सहकार में पैसे देकर ये सर्टिफिकेट छपवाया है। अब हुजूर, ये प्रजासत्ताक की फैमिली का अखबार है, इसमें ये घूस ये हेराफेरी कैसे चल सकती है सर? हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस नामुमकिन को दिव्य मोहन ने मुमकिन कैसे बना दिया। ठीक है सर, लेकिन एक है सर कि अगर प्रजासत्ताक के पेपर सहकार ने यह छापा है तो मुझे लगता है कि सर इनमें सच्चाई तो होगी ना, और अगर उन्होंने ये छापा है तो हो सकता है सर कि आपके जो बयान है या आप जो सोच रहे हैं वो गलत हो सर। देखिए, मैं इस विषय में आपसे चर्चा नहीं करना चाहता। बाय बाय। हेलो हेलो, देव मोहन जी बिल्कुल सही कहते थे कि सत्यनारायण जी बहुत पहुंची हुई चीज है। हेलो, नमस्ते विजयराज जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं सत्यनारायण। नमस्कार सत्यनारायण जी, कैसे हैं आप? दुखी हूँ विजयराज जी, और दुख हुआ सहकार पढ़कर। मुझे ये नहीं मालूम था कि आपके अखबार में ऐसी बातें छपती हैं। आपसे कहने का मुझे हक है विजयराज जी, इसलिए कि आपके अखबार पर जनता पूरा विश्वास रखती है और मैं भी उनमें से एक हूं। जी आपका कहना जायज है। ठीक नहीं हुआ विजयराज जी। जी मैं बहुत शर्मिंदा। क्या कहा उन्होंने? सुन के क्या करोगी बा, ऐसे ही दुखी होगी। डैड मैं ठीक है बाप, डैड शायद बहुत हर्ट हो गए हैं। हे प्रभु, क्यों दिल टूट रहे हैं? प्रभु, जो विलास के साथ हुआ वो योगी के साथ मत करना, मत करना उसके साथ। कैसी परीक्षा है, क्या परीक्षा ले रहे हो तुम मेरी? कब गुजरेंगे ये दिन महीने, कब गुजरेंगे? आभा ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? परफ्यूम। खास तुम्हारे लिए पेरिस से खरीदा है। देखो कितना जानती हूँ मैं तुम्हारी पसंद को। कैसा रहा तुम्हारा वर्ल्ड टूर? फैंटास्टिक।
इतनी खुशियां मिली कि झोले में समेटना मुश्किल था। सोचा था तुम लोगों के साथ अपनी सारी खुशियों को बांटूंगी, लेकिन यहां कर देखा मानसी अच्छा नहीं हुआ। जो भी हुआ, बुरा होना कौन चाहता है, लेकिन लेकिन अगर बात हद से ज्यादा गुजरने लगे तो। तुम इतनी कमजोर तो नहीं हो कि बातों को हद से गुजर जाने दो। मैं कमजोर नहीं हूं और ना ही मैं मजबूर हूं, और इतनी मजबूर तो कभी भी नहीं हूं कि कोई दोस्त मेरी मजबूरी का फायदा उठाए। हाय मानसी। आओ मंथन। हेलो आभा। मानसी मैं अपने कमरे में जाती हूँ। रुको आभा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब यहाँ का माहौल ऐसा नहीं रहा कि मैं यहीं रहूं। मैं जानता हूँ आभा तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे कहना तुम दोनों से, इसीलिए मैंने मंथन को तुम्हारे घर बुलाया है। अगर मुझे पता होता कि यहां कोई और भी आने वाला है तो मैं यहां नहीं रुकती। इतनी नफरत हो गई है तुम्हें? नफरत का कोई शौक नहीं है मुझे। बरसों की दोस्ती, इतना गहरा साथ, क्या एक पल में टूट जाता है? मैंने नहीं तोड़ा है। आभा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें समझ गई हूं। पागल मत बनो। हाँ मैं ही पागल हूं, गलती मेरी है। बरसों पुरानी दोस्ती जिन्होंने भुला दी, उनकी कोई गलती नहीं। हमारे इतने पुराने असूलों को एक ही पल में कफन चढ़ा दिया, गलती उनकी नहीं है। जिन्होंने मुझे थप्पड़ मारा वो भी गलत नहीं। तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम्हें बुरा लगा? तुम्हें अपना दोस्त समझकर मैंने तुम पर हाथ उठाया था। जलील करने के लिए? जलील करने के लिए मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया। अगर तुम्हें याद हो तो उस समय तुम अपने आपे में नहीं थी, और अगर एक दोस्त का तुम पर हाथ उठाना तुम्हें बुरा लगा हो देन आई एम सॉरी। मैं जानती हूं तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, और मैंने उसके लिए कोई शिकायत भी नहीं की, मैंने उसे बर्दाश्त कर लिया। लेकिन योगेश ने जो कुछ भी किया तुमने ना उसे रोका और उसका साथ भी दिया, ये तमाचा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। आभा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मंथन गलती तुम्हारी है। मैं मानता हूं गलती मेरी है। अब मानने से क्या फायदा? उफ़ आभा, ये झगड़ा कभी तो रोकना पड़ेगा ना। मैंने इसकी शुरुआत नहीं की है, जिसने शुरुआत की है वो ही इसे रोके। आभा खत्म करो ना इसे, आफ्टर ऑल हम लोग दोस्त हैं, भूल जाओ ये सब। मैं नहीं भूल सकती। मैं मानती हूं गलती योगेश भैया की, मैं भी उनकी इस करतूत के खिलाफ हूं, लेकिन इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। उनकी कोई मजबूरी रही होगी, अगर उनके अपने उन्हें नहीं संभालेंगे तो कैसे संभलेंगे वो, और इस कारण हमें तो दरार नहीं पड़नी चाहिए ना। तुम क्या मुझे समझाना चाह रही हो मानसी? तुम ये बात जो मुझे कह रही हो, क्या मैंने अपने आप को कई बार नहीं कही होंगी, अपने आप को नहीं समझाई होंगी? नहीं, मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से रिश्तों को कच्चे धागों की तरह टूटते देखा है। बचा लो इस दोस्ती को मंथन।
आबा तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें तसल्ली मिले? तुम बोलो, मैं वही करूंगा। मंथन, अब ना कोई चाहत है ना कोई उम्मीद, बस मैं इतना करो कि जो जख्म लगे हैं उसे वक्त के मरहम से भर जाने दो, उसे छेड़ो मत, प्लीज बस इतना करो। मैं चलती हूं मां से। आभा, तुमने गलती की है, बहुत बड़ी भूल की है तुमने। अब मैं क्या करूं मानसी, जो हो गया उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, मैं करता कुछ और हूं, होता कुछ और है। और ऐसे होता जैसे मेरे हाथों में रेत है और वो मेरे हाथों से फिसलती जा रही है। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं लेकिन वो मेरे हाथ से निकल जाती है और मेरे हाथ खाली हो जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हांसी, हम लोग सब चीजों पर काबू पा लेते हैं लेकिन अपने आप पर क्यों नहीं? अपने आप पर क्यों नहीं? सब ठीक हो जाएगा मंथन, शायद आभा ने ठीक ही कहा है, वक्त का मरहम इन जख्मों को ठीक कर देगा। आप यहां लेटे हुए हैं और मैं आपका डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रही हूं। मुझे भूख नहीं है। खाने पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अरे भूख ना लगना नामुमकिन है क्या? भूख क्यों नहीं लगी? आप शाम को भी तो कुछ नहीं खाते हैं। मुझे नहीं खाना, बस कह दिया ना, मुझे अकेला छोड़ दो। योगेश, इस तरह परेशान होने से किसी मसले का हल नहीं होता। निकिता, आप मुझसे बात कीजिए ना, शायद आपका मन हल्का हो जाए। भाभी, भाभी, अरे आप अभी तक यहीं हैं भैया? देखो ना मानसी, अब तुम ही समझाओ, मेरी तो कोई बात मानते ही नहीं। क्या बात है भैया? हर बार कोई बात होना जरूरी है क्या? यही होता है भैया, इसी तरह मन खाने लगता अपने आप को। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, मैं आपकी परेशानी को समझती हूं भैया। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो तुम लोग। ऐसे कैसे छोड़ दें? भाई हैं आप मेरे, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। तुम आवाज से मिली थी आज? हाँ। क्या कहा उसने? मैंने मंथन को आभा के घर में बुलाया था। उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हुई? गलतफहमी तो दूर हुई, मगर शीशे पर जो खरोंचे आ गए उसके निशान नहीं मिट पाए। आभा बहुत दुखी थे भैया, और उसकी दुखी वजह आप बने हैं। हाँ, सबको मेरा ही कसूर दिखाई पड़ता है, मेरी मजबूरी तो कोई समझता ही नहीं ना। ऐसे भी क्या मजबूरी है भैया, ऐसा कौन सा मोड़ है जहां आपको डीएम जैसे इंसान का साथ देना पड़ा, और तो अपने खानदान को भी। खानदान, इस खानदान की वजह से तो आज मेरी ये हालत है। आप खानदान को दोष क्यों दे रहे हैं? क्यों ना दूं,
क्या विलास भैया इस खानदान से नहीं है? विलास भैया ने इस खानदान की इज्जत उछालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसी खानदान ने मेरा प्रजा सत्ताक छीनकर उन्हें दे दिया, जिसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। किसी ने उनसे तो कुछ नहीं कहा, फिर ये सब मुझे ही क्यों सहना पड़ रहा है? क्या सहना पड़ रहा है आपको? आपके मन में बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी अच्छाई बेचैन हो रही है। आप उनसे बराबरी क्यों करते हैं जिन्हें अपने किए का कोई एहसास नहीं होता? आप दोनों विलास भैया को दोष क्यों दे रहे हैं? आप लोगों का यह मानना है कि खानदान ने विलास भैया को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे रखे, लेकिन क्या आप लोग उसकी वजह नहीं है? मानसी, भाभी, अगर सच्चाई को तौलना है तो बराबरी से तौलना चाहिए। आप लोग मानते हैं कि विलास भैया को जरूरत से ज्यादा अधिकार मिले, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी अपने बारे में सोचा है? मानसी, ये क्या कह रही हो तुम? क्या मैं गलत कह रही हूं? भैया, मैं विलास भैया की तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन ये तो सच है ना कि विलास भैया की जिंदगी बर्बाद हो गई। और भाभी रुकी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं तो सिर्फ योगी भैया के सामने सच्चाई को पेश करना चाहती हूँ, शायद इससे उनकी आंखें खुल जाएं। योगी भैया ने जो किया वो गलत किया, अगर वो अपनी गलती मान ले तो शायद उनके तड़प में उन्हें राहत मिलेगी। ठीक है मानसी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो फिर उस गलती के पीछे आने वाले परिणामों को मानिए। अगर आपके साथी आपसे रूठे तो उनके रूठने के हक को मानिए। अगर बा और पापा आपसे नाराज हैं तो उनके नाराज होने का हक उन्हें दीजिए। मानसी ठीक कह रही है योगेश। चलिए भैया, खाना खाने चलिए। शायद आपको नहीं मालूम, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे बा और पापा भूखे रहेंगे। चलो। हेलो। हेलो विलास। बा, कैसी हैं आप? बा, मुझसे पूछ रहे हो मैं कैसी हूं? अपनी परीक्षा में डालकर मुझसे पूछते हो मैं कैसी हूं? हाँ, लेकिन बा, देखो तुम्हारी शर्त के 3 महीने पूरे हो गए हैं, मुझे हिसाब चाहिए। हाँ बा, मैं आपको हिसाब दे दूंगा, मगर ठीक है बा। डीएम ने सहकार को और सहकार ने डीएम को सपोर्ट किया है। डीएम की मदद से सहकार और भी मजबूत हो सकता है। डीएम का सहकार को सपोर्ट करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है।